सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत जिस आवाम को इस चीज की सख्त जरूरत थी। ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो, जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है, मैंने तकरीबन इस्तेमाल आई करना नंबर ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूनान से प्रोग्राम हेलास करंट अफेयर्स के साथ आपका मेज़बान एहसानुल्लाह खान हाजिर है। नाज़रीन, आज के मौजू पर जाने से पहले मैं समझूंगा कि बहुत बड़ी ज़्यादती होगी अगर अफ़गानिस्तान में होने वाली कुरान पाक की बेहुरमती का जिक्र ना किया जाए और उसकी भरपूर मजम्मत ना की जाए और पूरी दुनिया के सामने इसका एहतजाज ना किया जाए कि अल्लाह ताला के पाक कलाम को जिस तरह से इत्तेहादी अफवाज ने नज़र आतिश किया उसको उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए और उस पर जितना भी उस बात पर उन्हें बुरा भला कहा जाए वो उनके लिए कम है। हम मुतालबा करते हैं अपने इस मीडिया के ज़रिए से, विनस टीवी के ज़रिए से, हकूमत पाकिस्तान से कि वो इत्तेहादी अफवाज और अफ़गानिस्तान की अफवाज से भी भरपूर मुतालबा करें कि वो इन मुजरिमों को करार वाकई सज़ा के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें जिन्होंने अल्लाह के पाक कलाम को नज़र आतिश किया। अल्लाह ताला हमें ऐसे शैतानों से महफूज रखे और हमें अपने दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। नाज़रीन, आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, हमारे यूनान से बाहर रहने वाले जो नाज़रीन हैं उनके लिए शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि हम आज बात करेंगे यूनान में होने वाले पाकिस्तान कम्युनिटी के इलेक्शंस की। यूनान में चूँकि एक जमहूरी निज़ाम राइज है और हम हर 3 साल के बाद अपने पाकिस्तान कम्युनिटी की सदारत के लिए इलेक्शन मुनाकिद करवाते हैं और जो सदर मुंतखब होता है उसे फिर पाकिस्तानी बरादरी की नुमाइंदगी दी जाती है, उसे पाकिस्तानी बरादरी का रहनुमा तसव्वुर किया जाता है। ये एक अलग सवाल है कि गुज़िश्ता 4 मरतबा होने वाले इलेक्शंस के बाद जो सदर मुंतखब हुए उन्होंने कितने काम किए, कितने अच्छे काम किए और क्या काम वो ना कर पाए, इस पर हम अक्सर और बेशतर बातचीत करते रहते हैं। लेकिन आज हमारी जो मजलिस होगी इसमें हम ये देखेंगे कि अब 5वीं बार 2012 में जब पाकिस्तान कम्युनिटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उन इलेक्शन से कबल पूरी पाकिस्तानी बरादरी की जानिब से और पाकिस्तानी तंजीमात मजहबी सियासी समाजी और अहम शख्सियात की जानिब से कुछ मुतालबात रखे गए हैं कि इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए जो पाकिस्तान कम्युनिटी के आइन और उसके उसके रजिस्टर में मौजूद हैं। अब उसकी दुरुस्तगी के लिए साबिक सदर जावेद असलम राई ने भी वादे किए और उनकी बनाई हुई सुप्रीम कौंसिल जो एक तवील मुशावरत के बाद यूनान में मौजूद पाकिस्तानी मजहबी जमातों के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल बनाई गई है, उनके हवाले पाकिस्तान सुप्रीम कौंसिल का उसकी बागडोर की गई है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो नए 5वें इलेक्शन का इनेकाद करवाएं और उन इनेकाद से कबल जो पाकिस्तानी बरादरी की आवाज़ है और वो बातें जिनकी वजह से, वो कवानीन जिनकी वजह से हमारे सुदूर सिर्फ फला तक महदूद ना रहे बल्कि बाद में उनकी रविश गलत हो गई, उनको दुरुस्त करने के लिए सुप्रीम कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी ने इसके अंदर क्या तब्दीलियां अब तक की हैं या वो कब तक उसको कर पाएंगे। लेकिन दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि सुप्रीम कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी ने अपने क़याम के बाद और कुछ किया या नहीं किया, यह भी हम पूछेंगे उनके नुमाइंदगान से। लेकिन एक बात उन्होंने की, एक ऐलान किया उन्होंने कि 26 फरवरी उन तमाम सदारती उम्मीदवारों के लिए आखिरी दिन और आखिरी तारीख है। 26 फरवरी रात 12 बजे तक वो उम्मीदवार जो सदारत के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपनी दरख्वास्तें जमा करवा दें, उसके साथ कुछ शराइत भी उन्होंने रखी है, उन शराइत पर भी बातचीत करेंगे। और 26 तारीख में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, अभी तक कोई दरख्वास्त मौसूल हुई या नहीं या कब तक दरख्वास्तें मौसूल होंगी, इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे, इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे। आप हमारे से टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। हमारे यूनान के नाज़रीन और वो अहबाब जो पाकिस्तान कम्युनिटी के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं
कि पाकिस्तानी बरादरी के जो इलेक्शन होते हैं, इन इलेक्शन के अंदर जो चीज़ें वो दुरुस्त करवाना चाहते हैं, जो तरीन समझते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, उन पर बात करने के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी की सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन जनाब इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाफरी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, और आपके साथ सुप्रीम कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी के एक रुकन जनाब हाफिज़ शाहिद गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। ये दोनों अहबाब, इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब चेयरमैन है सुप्रीम कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी के, और महरिया नसीरिया ट्रस्ट के सदर हैं और उसी जमात के नुमाइंदगी के तौर पर सुप्रीम कौंसिल में बैठे हुए हैं। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं हाफिज़ शाहिद गफ्फार साहब, वो ज़िया उल उम्मत फाउंडेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये दोनों अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं, आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब तक दरख्वास्तों की वसूली का जो आपने ऐलान किया, उसमें क्या पेशरफ्त हुई? क्या आपको कोई दरख्वास्त मौसूल हुई, या जो दो दिन बाकी रह गए उनके अंदर आपको किसी की दरख्वास्त मौसूल होने की तवक्को है, या आप नाउमीद हो चुके हैं? जी नहीं, बिल्कुल मुतवक्का है इंशाल्लाह। ऐसे पहले भी जो इलेक्शन हुए उसमें लास्ट मोमेंट पे ये दरख्वास्तें जमा होती हैं। अभी तक कोई नहीं आया? फिलहाल फॉर्म लेके गए हैं लोग, और इंशाल्लाह कल जो है ना, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिस है वो कल और परसों खुला रहेगा सारा दिन। जी हाँ, कल और सारा दिन नहीं, शाम के टाइम वो जो भी अपने टाइम रखा है उस पर इंशाल्लाह वो लोग आएंगे, अपनी दरख्वास्तें जमा कराएंगे और वो जमा कराएंगे दरख्वास्तें। हाफिज़ साहब, आपकी बात भी सबमिट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान कम्युनिटी के सुप्रीम कौंसिल के क्याम के वक्त कुछ मुतालबात रखे गए थे कि जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो इलेक्शन ना करवाए जाएं, जब तक सुप्रीम कौंसिल को कानूनी हैसियत ना दी जाए तब तक इलेक्शन ना हो, जब तक साबिक सदर अपनी ऑडिट और अपना इस्तीफा ना दे इलेक्शन ना हो, तो क्या इन तमाम बातों पर अमल कर लिया गया जो दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो इंतहाई दुख से, इंतहाई तकलीफ से मैं ये मीडिया के जरिए तमाम मुसलमानों से अफसोस का इजहार करता हूँ कि जो कुरान पाक की बेहरमती की गई जी, वो हमारे हुक्मरानों की तरफ से अब तक एक बयान भी नहीं आया। उनको चाहिए कि उसके बारे कोई ऐसा ना दायरा। अच्छा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा काटता हूँ, ना सिर्फ ये कि उनका बयान नहीं आया, बल्कि अफसोस इस बात का है, चूंकि हमारा ये टॉपिक नहीं, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कि हमारी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त बरतानिया में मौजूद है और वहाँ पर अमेरिका की जो वज़ीर ख़ारजा उनसे भी उनकी मुलाकात हो रही है, और जो डिस्कस हो रही है वो सप्लाई लाइन की हो रही है कि कब खोली जाए और किस तरह खोली जाए, जबकि बेहरमती का कोई जिक्र कहीं पर कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। यही वजह है कि अपने दीन से दूर हो गए, तो हमारे लिए मुश्किल दिन ब दिन नए सिलसिले में आती हैं। पहले ये सिलसिला नॉर्वे से शुरू हुआ है और आस्ता आस्ता दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जब तक हमारी हुकूमत जागेगी नहीं, हमारे लीडरान जागेगी नहीं, इसका कोई सदबाब नहीं किया जाएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे इनको होश आए, होश के नखन लें, और ये इसके बारे कोई अपना लाहे अमल तय करें, और दूसरे जो और पक्के मुसलमान बनकर उभरे, बरतानवी मीडिया है और जो दूसरे अमेरिकन लोग हैं उनको ये बताएं कि ये इसके बारे में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी मुसलमान बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, घर में बैठे हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनके कुरान पाक की भरमती हो, नवज बिल्ला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कोई अल्फाज बोला जाए या कहा जाए, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुआ करता हूँ अल्लाह कर ये जागे। उसके बाद दूसरी बात यह है, हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। हमें जब ये दिया गया, एक मिशन दिया गया मजहबी जमातों को, सबसे पहले तो हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पे इत्मीनान किया मजहबी जमातों को। उसके बाद जब से हमने ये स्टार्ट शुरू किया है, हमने तमाम लोगों से मीटिंग की है, जो पुराने लोग हैं उनसे मीटिंग की है, और उनके मशवरे के साथ बाकायदगी के साथ सारा सिलसिला चल रहा है। जो जो भी हमें टारगेट मिला था, हम इंशाल्लाह दिन ब दिन उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ वजूहात थी जो अभी हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि हम एक मंशूर देना चाहते थे पूरी कम्युनिटी को, जो सबके सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जी। क्योंकि जब तक हम रजिस्ट्रेशन करने तो निकल जाएंगे, लोगों से 5 यूरो तो लेने के लिए निकल जाएंगे, लेकिन उन लोगों को हम क्या बताएंगे भाई, हम आपसे 5 यूरो किस चीज़ के ले लें? कुछ जगह टैक्स है, कोई जोर जोर के पैसे हैं, या आपके ये पैसे किस काम आएंगे, अच्छे काम के आएंगे, बुरे काम के आएंगे, किस लिए ये पैसे इस्तेमाल होंगे? तो
तो ये सुप्रीम काउंसिल खुद के तौर पे नहीं कर सकती थी, ना ही ये अच्छा था, क्योंकि ये जो आने वाला मिशन है वो चलाना है लीडरान ने, जिसने भी जीत के आना है। तो आप ये चाहते हैं कि पहले वो दरख्वास्त दें, उसके बाद वो लोग मेंबरशिप करें? नहीं, हमने बोला जो लोग भी दरख्वास्त लेके आए उसके साथ अपना मंसूर लेके आए, और जब ये दरख्वास्त वाला काम मुकम्मल हो उसके बाद हम इन सब जो लोग दरख्वास्तें दें उनसे बैठ के मशवरा करें, क्योंकि इसमें 90,000 के लगभग, यानी जो लोग आपको दरख्वास्त देंगे 26 तारीख तक, सिर्फ वो लोग आपसे मुशावरत के मजाज होंगे बाद में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मशावरत हमसे जो बंदा भी कोई किसी को भी कोई शुभ बात हो सुप्रीम काउंसिल के मुतालिक शकुकुशबात की नहीं है, बात यह है कि दो तीन मेन बातें हैं अहम, सुप्रीम काउंसिल इलेक्शन मेंबरशिप पर करवाए और रजिस्टर्ड वोटर पर करवाए, जो बात एक मुसद्दिका और मुत्तफिका है सब जमातों की तरफ से भी और तमाम शख्सियात की जानिब से भी। आपकी चेयरमैन साहब आप बताएं, आपने क्या सोचा कि पहले दरख्वास्तें वसूल कर ली जाए उसके बाद ये सब तमाम काम किए जाए, जबकि दूसरी तरफ तमाम कैंडिडेट्स को इस बात का इबाम है, इस बात का कि आप लोग दरख्वास्तें तो वसूल कर रहे हैं लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आप दरख्वास्तें वसूल करने के बाद ये तमाम काम मुकम्मल करेंगे, जबकि आपने फीस भी नाकाबिले वापसी रखी हुई है? देखिए, ये तो बड़ी अफसोस की बात है, जिस दिन मैंने ये ऐलान किया था कि 26 फरवरी को दरख्वास्त जमा कराएं, उसी दिन मैंने ऐलान किया था कि 4 मार्च को इलेक्शन का ऐलान और बाकायदगी से जो रजिस्ट्रेशन होगी उसकी वो यानी वो शुरू हो जाएगा 4 मार्च से, और ये होगा जो सदारती उम्मीदवार होंगे उनके मशवरे से ये तय पाए, ये हम तय करेंगे कि कितने मेंबर हो तो इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कब होना चाहिए, ये हमने पहले से। कौन कौन सी बातें जो आपने दरख्वास्तें वसूल करने के बाद तय कर ली है फौरी तौर पर 4 मार्च को जो आप कह रहे हैं? 4 मार्च को हमने इलेक्शन का ऐलान करना है। अच्छा, तारीख देनी उसकी? जी हाँ, तारीख देनी है। कितना वक्त हो सकता है उसके अंदर? ये मशावरत करेंगे सदारती उम्मीदवार से। अच्छा, जो आएंगे सदारती उम्मीदवार उनसे मशावरत होगी और उनसे ये मशावरत की जाएगी कितने मेंबरशिप हो तो इलेक्शन होनी चाहिए और मेंबरशिप किस तरीके से की जाए, उसकी फीस क्या होनी चाहिए, उसका मंशूर क्या होगा, इस वजह से हम वेट करें। जिस वक्त सदारती उम्मीदवारों के जो है फॉर्म दरख्वास्तें आ जाएंगी उसके 2 या 3 दिन के बाद उनकी मीटिंग बुलाएंगे। चेयरमैन साहब, साबिक सदर ने आपको तमाम चीजें आपके हवाले कर दी है पाकिस्तान कम्युनिटी की, या सिर्फ एक फोटो का भी जरूर दी थी आपको तस्दीक की वो देकर? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पहले दिन से मुझे लोग इस बात पूछ रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतनी कोई बड़ी बात, वो उन्होंने वादा किया और वादा खिलाफ वो कर नहीं सकता। नहीं, क्या बड़ी बात नहीं है? नहीं, ये सब कुछ हम उनसे लेंगे, आप बेफिक्र, ये 4 मार्च को जो है ना, 4 मार्च से पहले ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो सदारती उम्मीदवार आएंगे ना उनसे मशावरत करके जो मुत्तफ़िका फैसला होगा, जो सही फैसला होगा उस पर अमल होगा। ये नहीं हो सकता कि सदारती उम्मीदवार कुछ कहे और हम कुछ कहें, ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन साहब, जब सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कमेटी बनती है जी, तो क्या तमाम मामलात सदर को उनके हैंड ओवर करके खुद न्यूट्रल होकर पीछे नहीं बैठना चाहिए, या फिर इंतजार करना चाहिए कि पहले देखूं दरख्वास्त कौन कौन देगा, इलेक्शन कौन कौन लड़ेगा, सुप्रीम काउंसिल क्या करती है, उसके बाद मैं आपको असल चीजें दूंगा? आप जो बात कह रही कि हमने पहली दफा जो है सुप्रीम काउंसिल जिम्मेदारी मेरे सर पे आई है, अगर साबका सुप्रीम काउंसिल में होता तो शायद ये बात कहता कि पीछे क्या हुआ। इम्तियाज साहब, अगर साबका अदवार में हमारे साथ ये मुझे दोगली पॉलिसी रखी जाती तो आज ये दिन देखने नसीब ना होता। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जिन जिन लोगों ने हमें एतमाद का वोट दिया था, ये जिन्होंने दस्तखत की थी उन्हें उसी वक्त ये सात शर्तें बतानी चाहिए थी ना सदर साहब को, कि यही शर्तें होंगी जी, सुप्रीम कोर्ट जिस दिन ओहदा लेगी या क्या नाम इसका जो हल उठाएगी उसी दिन आपने इस्तीफा देना है। ये तमाम बात है, उसी दिन की बात नहीं हो रही, इस्तीफा तो बाद में भी लिया जा सकता है ना, ले लेंगे इस्तीफा, क्योंकि देखें होता ये है कि पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन करवाती थी तो जो भी सदर होता था तो इलेक्शन के दिनों में वो बड़े प्यार से मोहब्बत से बात करते थे, ये भी कर देंगे, लेकिन वो करते अपनी मर्जी थे। ये साबका तजुर्बात है और उन्हीं की रोशनी में हम ये चाहते हैं कि इस वक्त सुप्रीम काउंसिल जो भी काम करे वो इखलाकी तौर पर ना करे, कानूनी तौर पर करे। कोशिश समझ लीजिए, मैं आपका जवाब देता हूँ इस चीज का, आप इंशाल्लाह अगर लोगों ने हम पे भरोसा किया है, जो लोग हमें हमारी जमातों को ट्रस्ट किया हम पे किया हमारी जमातों पे, हम तमाम लोग जो है वो सब दिल्ली जमातों से आए हैं, तो जिन लोगों ने ट्रस्ट किया है मैंने उन लोगों को याद बता देना चाहता हूँ कि जो पहले काम होता था ना अखलाकी जवाब पे, इस दफा वो एक काम भी नहीं होगा, सब कानूनी होगा इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह वकील को हमने कत तस्दीक दी हुई है जो 2001 की जुवेद असलम भाई साहब ने हमें दी थी, वो हमने वकील को दी हुई है, उसमें जो भी मशवरा किया हमने वकील से, जो भी बेहतर लाया अमल हम कम्युनिटी के लिए
अपने लिए नहीं, कम्युनिटी के लिए जो जो चीजें चाहिए थी जो 10 साल से नहीं हो सकी थी वो इंशाल्लाह हमने दी है उसको, वो बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जब हमने एक फैसला किया कि 4 को हम तमाम लोगों को ये बता देंगे कि सुप्रीम काउंसिल क्या कर रही है, तो उसमें हम इंशाल्लाह तमाम चीजें देंगे। और जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं सुप्रीम काउंसिल पे इस्तीफे के, इंशाल्लाह ताला जब दरखास्तें होती हैं तो उसके बाद ही इस्तीफा भी होता है। ठीक है, अब सब एक बात मैं पूछना चाहूंगा, खुदा ना खास्ता 26 तारीख तक आपके पास कोई भी दरख्वास्त जमा नहीं होती, उसके बाद सुप्रीम काउंसिल का क्या लाया अमल होगा? ये इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, दरख्वास्तें तो जरूर आएंगी। देखो जब भी कोई काम होता है तो हमारे लोग सवाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इस दफा कुछ लग गया, पहले वाला नहीं है। सवाल नहीं करेंगे लोग? सवाल अभी बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों के सवाल जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये दीनी जमातों को चाहिए था पहले रजिस्ट्रेशन करते फिर ये सवाल इलेक्शन का ऐलान करते, हमने अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं किया, दरख्वास्तों का ऐलान किया, दरख्वास्तों का ऐलान। लेकिन आप साहब ये भी तो मुमकिन है कि आपकी दरख्वास्तें 26 फरवरी को, ये जो 2000 वाली फीस है ना जी, ये हमने पहली दफा नहीं रखी, ये तो पहले भी होती थी, पहले भी होती थी। और इसके लिए जब हम पहले दिन हम आए ना अपना लफ्ट लिया हमसे, तो कुदरती जो आपने एक बात की है धोखे वाली, इसमें थोड़ा सा शामिल जरूर है, वो इसलिए जब हम पहले दिन एक हमने 9 निकाती झंडा दिया था तमाम लोगों को, तमाम लोगों को नहीं, सदर साहब और सिद्धार्थी, उसका ताल्लुक तो सदर साहब से था ना, सिद्धार्थी उम्मीदवारों ने उसमें कुछ नहीं कहा, उसमें ये बोला था कि सब लोग आप इसमें मशवरा करें और आपस में तय करें, ये सदर साहब का हुक्म था हमारा। ठीक, और इसी इंतजार में थे कि एक दिन हमें कॉल आ गई भाई आप आए और आप हलफ लें, हमने वो वीक मिस किया और उसके बाद सदर साहब से मीटिंग की, हमारे मामला अच्छे तय पा गए, उसके बाद ये हलफ वाला सिलसिला हुआ। लेकिन उसके दूसरे दिन सवाल शुरू हो गए, आपने क्या लिया सदर से, हमने सब लोगों को बता दिया एक हमें कतस्तातिको मिली है 2001 वाली और 2005 वाला प्रैक्टिको जो इलेक्शन का, 2008 वाला नहीं मिला आपको? 2008 वाला नहीं मिला। अच्छा, वो चले वो तो मिल ही जाएगा वो। फिर हमने सब, फिर उसके बाद हमने सदर साहब से मीटिंग की, वो कहते हैं जो जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, हमने उनसे बात की। अभी ये जो कहते हैं कि भरोसा नहीं है, हमें सदर साहब से भरोसा इसलिए है कि हमने सबसे पहले जो कतस्तातिको में नई मैनेजमेंट कराने की बात की तो उन्होंने किया आप कराएं, अमेंडमेंट जो नहीं उसके अंदर, ठीक है ठीक है, मतलब तो आप मुकम्मल तौर पर पूरा एतमाद है कि जावेद असलम राही साहब आपके साथ तमाम मराइल में ताउन कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आप लोगों के दरमियान इफाम तफीम मौजूद है। लेकिन चूंकि सबका तजुर्बात ऐसे हैं कि जिन्हें याद करके हमें अफसोस होता है कि हमारा बहुत तवील वक्त जो है वो ज़ाया हो चुका है, तो अवाम इस बात की मुतमनी है कि आप डिलीवर करें, नजर आए कुछ हो रहा है, अंदरूनी बातें ना हो, और चूंकि जमहूरी प्लेटफॉर्म है, जमहूरी प्लेटफॉर्म है, जमहूरी सदर बनेगा, वोटिंग होगी, सब कुछ होगा, तो फिर हमें तमाम चीजों को भी जमहूरी तरीके से फ्रंट पर लाकर आवाम को बता देना चाहिए। हम इंशाल्लाह इस दफा जो सुप्रीम काउंसिल है ना वो सदारती जो सदर बनेगा उसके लिए शायद कुछ करे ना करे, लेकिन आवाम के लिए जरूर कुछ करेगा। चेयरमैन साहब, जो मेरा सवाल था वहीं पर है, अगर कोई भी दरख्वास्त नहीं आती फिर क्या होगा? मशवरा करेंगे, एक बात बताएं, नहीं मशवरा करेंगे ऐसे अचानक तो? अच्छा, उस वक्त मशवरा करेंगे, उसके बाद जायज बात है, सुप्रीम काउंसिल जो 7 रुकनी कमेटी वो मशवरा, कुछ लोगों का मुतालबा है कि आप इसकी तारीख को आगे कर दें क्योंकि आपने बहुत कम वक्त दिया है, उसके बारे में फिलहाल आपके जहन में कोई उसका हल है? फिलहाल अभी हमने उनको ये कहा कि जो उम्मीदवार है ना वो खास तौर पर चाहते हैं कि हिस्सा हम लें, हम लेट हैं, तो वो कम अज कम अपनी फीस जो भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है वो जमा कराएं, जिस तरह लिपि में जमा होते हैं दीमो पेपर, जो भी डॉक्यूमेंट चलेंगे फीस पहले, फीस इसलिए पहले कि ऐसा ना हो कि वो कुछ लोग आ जाएंगे वैसे ही मजे लेने के लिए, हम वो बंद नहीं चाहते, फीस जो देगा वो मजा नहीं ले सकता सीधी सीधी, इसलिए मैंने नाकाबले वापसी, मेरे घर में तो मजे लेगा ही वो जो फीस देगा, देख लेते ले ले मजा ले, जब तक फीस देगा नहीं 2000 नहीं देगा उसको मजा कैसे आएगा इलेक्शन लड़ने। असल में हम वो पुरानी रीत तोड़ना चाहते हैं कि जो आते हैं दरखास्त देते हैं फीस नहीं दी और एंड पे जो है दरखास्त अपनी वापस ले ली, ऐसा नहीं, हम चाहते हैं वो लोग आए जो पहले दिन से ही मुखलिस हुए, जो चाहेंगे हम कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन को सबूताज करने का कोई आ जाए कुछ लोग
और वो सारे सिस्टम को खराब करके चले गए। हम चाहते हैं वो लोग हैं जिन्होंने पहले से ठान ली है कि हम आवाम की खिदमत करेंगे। और जो अच्छा 26 तारीख तक आपके पास दरख्वास्तें जमा हो जाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 जितनी भी होती हैं, आपने कह दिया कि अगर नहीं होगी तो हम दोबारा मुशावरत करेंगे कौम के साथ कि क्या करना है। अल्लाह करे दरख्वास्तें जमा हो जाए और आपका जबूरी प्रोसेस आगे बढ़े। अगर दरख्वास्तें जमा हो जाती हैं उसके बाद आप पहला कदम रजिस्ट्रेशन का उठाएंगे या पहला कदम इलेक्शन की तारीख उठा के इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू करेंगे? पहला कदम सदारती उम्मीदवार से मुशावरत होगी, उसके फौरन बाद जब मुशावरत होगी तो उसमें सारी बात तय पा चुकी होगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और फिर उनसे सदारती उम्मीदवारों की मर्जी सारे काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मशवरा तो करना है ना, मशवरा करना जरूरी ना, ताकि वो ये ना कि ये हर धर्मी की है सुप्रीम कौंसल, नहीं, हमने तो मशवरा करना इसलिए देखते हैं कौम के लिए बेहतरी क्या है, सदारती उम्मीदवार क्या चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, क्या वो कहते हैं नहीं जी आप पहले रजिस्ट्रेशन शुरू करें। और रजिस्ट्रेशन का तो सारा जो मामला है वो उसका तस्दीकों के अंदर रजिस्टर ऑलरेडी, उसके लिए आपको मुशावरत की जरूरत है। मुशावरत की जरूरत ये है सिर्फ कि कितने रजिस्ट्रेशन हो तो इलेक्शन होनी चाहिए, ये भी आप खुद फैसला कर सकते हैं। हम करेंगे, आप 500 भी कर सकते हैं, हम करेंगे 100 भी कर सकते हैं, ये तो कोशिश तो करेंगे। भाई देखिए रजिस्ट्रेशन होगी तो इलेक्शन होगा, ये तो पक्की बात है, पेटेंट बात है। यहाँ पे एक बात मैं करना चाहता हूँ कि जो 2000 यूरो जो फीस का जो मसला है ना, तमाम लोगों ने कहा कि जी 10 सदियों में फीस के कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं सिर्फ ये बात समझ नहीं आता, 2001 से जब तक जितने भी इलेक्शन हुए सब ने फीस जमा कराए, कभी 5000 था, कभी 3 था, कभी 2 था, लेकिन कम से कम जो फीस थी वो 2000 थी। हमने वही फीस कम से कम रखा क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं है, लोगों ने तो मशवरा दिया कि 5000 रखो, मैंने कहा नहीं भाई अभी जैसे हालात हैं 5000 मेरे ख्याल में सदारती उम्मीदवार अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि जो ये पैसे सदारती उम्मीदवार देंगे वो तो हमारे जेब में तो नहीं जाएंगे ना, ये हमारा अल्लाह ना करे कोई ऐसी नीयत हो कि वो पैसे हम खाएंगे, हमारी ये नीयत है कि वो जितने पैसे पे चाहे वो 6 उम्मीदवार हो, 10 हो, 20 हजार हो, 30 हजार, जितने पैसे पे आते हैं जो इलेक्शन में खर्च होंगे जायज तरीके से वो इंशाल्लाह हम पैटर्न जो है आपको बताएंगे कि ये खर्च हुए और जो बाकी पैसे बचेंगे वो कौम के खजाने पर जाएगा, कौम की फलाह पे वो काम वो पैसे इस्तेमाल होंगे, वो सदर के हवाले कर देंगे। आप सदर के हवाले करेंगे, लेकिन इस पर भी एक बात बता दूँ, इस दफा जो सुप्रीम कौंसिल बनी है वो ये नहीं बनी कि सदर के हवाले करके और हम जाके घर में सो जाएंगे, क्या करेंगे आप? हमने जो है ना उसका जो क्या कहते हैं एलोको जो है वो इंशाल्लाह कैसे करेंगे एलोको? आपका जिक्र ही कहीं पर नहीं होगा, पूरी किताब होगी, कहीं पर इम्तियाज आलम जाफरी नजर नहीं आएगा, कहीं पर शाहिद गफार नजर नहीं आएगा, कहीं पर इमरान उल्लाह चौधरी नजर नहीं आएगा। इलेक्शन के बाद आपसे कहा जाएगा कि आप दफ्तर से बाहर निकले क्योंकि आपका काम खत्म होगा इलेक्शन करवाने के बाद। ये कतासतिको में होगी, सबका नाम होगा और सबको लिखा जाएगा, ये जितने भी सदारती उम्मीदवार आप लोगों ने अपना इंदराज करवा लिया, अपना नाम लिखवा दिया बतौर मेंबर पाकिस्तान सुप्रीम कौंसिल ने, बतौर पाकिस्तान कम्युनिटी का एक रुकन होने का आपने नाम लिखवा दिया आप लोगों ने सबने? भाई आपने बतौर मेंबर, आप इस कम्युनिटी के मेंबर है, एक कम्युनिटी के आप लोग मेंबर ही नहीं है। अच्छा जी, इतने दिनों से बहुत अच्छा सवाल है आपका जी, मसला पता कि अभी मेंबरशिप शुरू नहीं हुई, जब मेंबरशिप शुरू होगी एक भाईजान मेंबरशिप शुरू होने की बात नहीं है, नहीं मेंबरशिप हुई नहीं, मेंबरशिप तो आपकी सदारती से दरख्वास्तें वसूल कर रहे हैं, आपकी मेंबरशिप नहीं है भाईजान, तो जो सदारती उम्मीदवार उसके पास मेंबरशिप है बताएं भाईजान, जो सदारती उम्मीदवार आप उसके अंदर अपने नाम पहले रजिस्टर करवा सकते हैं, आप बतौर मेंबर पहले उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं, अभी जो फॉर्म बनेगा आपको होना भी चाहिए, पहले आपको अपनी हैसियत को मुसल्लम करना चाहिए। तो ये कदाचित को अमेंडमेंट में होगी उस, इसलिए हमने जो कदाचित में अमेंडमेंट की है उसमें भाईजान वो अमेंडमेंट सुप्रीम कौंसिल के लिए है, वो अमेंडमेंट मेंबरशिप के लिए नहीं है, मेंबरशिप उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, आप उसके अंदर बतौर मेंबर अभी शामिल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो रहे? देखो वो जो दरखास्त अभी है ना वो इंशाल्लाह तमाम उम्मीदवार से यही मैंने सबसे पहले बोला कि वो उसमें अभी हमने प्रिंट नहीं किए, लेकिन हमारा एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीनस न्यूज का नया शुमारा मार्केट में आ गया, इसे हासिल कीजिए, 2 नन्हे फूल जो है इनकी तस्वीरें लगाई हैं, पहली दफा सियासतदानों और ताजरों से हटकर इब्राहिम फैज साहब ने बच्चों की तरफ रुख किया और बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों बच्चे, आप भी अपने बच्चों के जो मामलात हो सालगिरह वगैरह उसकी तस्वीर अगर छपवाना चाहे तो वीनस न्यूज से राबता कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इन सुप्रीम कौंसिल के दोनों अहबाब से ही बात पूछेंगे कि इन्होंने अब तक अपनी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाई, सुप्रीम कौंसिल ऑफ पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रेशन है या जो उसकी अथॉरिटी की बात की जा रही है वो एक अलग मौजू है, इसका ये क्या जवाब देंगे और आप हमसे वक्फे के बाद क्या सवाल करेंगे ये तमाम नाज़रीन देखेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। शीश
सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत इस आवाम को इस चीज की सख्त जरूरत थी। ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो। जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है। तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल आई करना नंबर ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है। और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है। सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत इस आवाम को इस चीज की सख्त जरूरत थी। ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो। जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है। तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल आई करना नंबर ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है। और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं। और अपने मौजू पर जाने से पहले एक दो अहम बातें जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि यूनान में आजकल ये लाइटर जो है ये गर्दिश कर रहे हैं मुख्तलिफ दुकानों पर, परितर उस पर जिन पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, एक पर लाइटर पर लिखा हुआ है और दूसरे पर एक कुरानी आयत है, तीसरे पर अल्लाह अकबर है और चौथे पर भी कुछ इसी तरह के कलमात लिखे हुए हैं। ऐसे लेटर हमारे तमाम नाज़रीन इस बात को नोट करें कि ऐसे तमाम लेटर्स अगर आपको किसी भी दुकान के अंदर नज़र आएँ जिस पर हमारे कलमे, हमारे नबी का नाम या हमारे रब का नाम या कुरानी आयात लिखी हों या हदीस मुबारका लिखी हों, तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में वीनस न्यूज़ से रब्ता कीजिए, वीनस टीवी से रब्ता कीजिए। हमने अब तक मार्केट में पाए जाने वाले जितने भी लेटर्स थे वो सदर पाकिस्तान एसोसिएशन हाजी मोहम्मद अफसल साहब ने भरपूर मावरत की है और ये तमाम के तमाम लेटर उन दुकानों से ख़रीद कर अपने पास महफूज कर लिए हैं ताकि इनकी तकदीस में कोई हर्ज ना आए और इनके ऊपर लिखे गए कलमात जो हैं उनका एहतराम बरकरार रख सके। लेकिन अगर आप लोगों को एथेंस या यूनान के किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में, किसी परिपत्र पर, किसी दुकान पर इस तरह का कोई लेटर या कोई ऐसी चीज़ नज़र आए जिसकी बेहरमती होने का ख़दशा हो तो बराए मेहरबानी हमें कॉल कीजिएगा, हम इनको ख़रीद कर अपने पास यहाँ एहतराम से रखेंगे। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान हिना रबानी खर जो आजकल बरतानिया का दौरा कर रही हैं, वीनस टीवी उनकी रोज़ाना की जो कार्रवाई है उसकी भरपूर कवरेज कर रही है। इसको फिलहाल वीनस न्यूज़ पर इनकी जो अब तक की कार्रवाई है वो दी गई है, लेकिन आइंदा किसी प्रोग्राम में इनकी तमाम कवरेज जो आपको दिखाएंगे और आपकी नज़र करेंगे कि हिना रबानी खर ने बरतानिया जाकर बरतानवी हुकूमत के साथ पाकिस्तान के लिए क्या गुल खिलाए और क्या उनसे हासिल किया, क्या उनको बेचा। बहरहाल ये एक ज़िमनी बात थी, लेकिन हमारा आज का मौजू सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी और हम अपने मेहमानों से ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने अब तक अपने नामों का इंदराज क्यों नहीं करवाया। जी चेयरमैन साहब, इंदराज अभी शुरू नहीं हुआ, इंदराज शुरू इंशाल्लाह 4 मार्च से होगा। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आपका इंदराज शुरू नहीं हुआ तो फिर आप अभी उस कम्युनिटी के अंदर शामिल ही नहीं है, तो जिस कम्युनिटी के आप मेंबर ही नहीं है, जिस कम्युनिटी के आप मेंबर ही नहीं है, आप उसकी सुप्रीम काउंसिल बनकर बैठे हुए हैं। इस पिछले 10 साल से क्या मेंबरशिप हुई है कोई? हाँ, मेंबरशिप होती थी, सबसे पहले सुप्रीम काउंसिल अपना इंदराज करवाती थी। चलिए ठीक है, हमें किसी ने मशवरा नहीं दिया इस बात, अब आपको दे रहे हैं, अब आप करवाएंगे, आप करवा लेंगे। हमें सदर साहब ने कहा अगर आपको 26 तारीख तक 2, 3, 4 या 5 या 2 जितनी भी दरख्वास्तें मिलती मिल जाती हैं उसके बाद कितने चांसेस हैं कि आप 26 तारीख को तोसी दें, 1 हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते किसी भी वजह से, किसी तैयारी की वजह से, किसी मुतालबे की वजह से या किसी ज़रूरत की वजह से, कितने चांसेस हैं कि आप इस तारीख को मज़ीद आगे करेंगे? ये फैसला तो मैं संडे या मंडे को करूँगा इंशाल्लाह। 26 तारीख लास्ट डेट है तो 27 को इंशाल्लाह फैसला होगा फिर इस पर। हम तो रात 12 बजे तक मैं आपसे कह रहा हूँ कि दरख्वास्तें आपको मिल जाती हैं जी, 1, 2, 3, 4 जितनी मिलती हैं, तो उसके बाद आपका क्या फैसला होगा? अब ये देखते हैं जी, फिर क्या करेंगे आप? देखो अल्लाह ना करे, दरख्वास्तें इंशाल्लाह आएंगी। 26 तारीख की रात तक अगर आपको सिर्फ एक दरख्वास्त मौसूल होती है तो सुप्रीम काउंसिल का अगला कदम क्या होगा? जब इंशाल्लाह पहले आपकी बात सुनते हैं, हमारे साथ कॉलर है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। समीला बटर्स का आया हूँ यूनियन से। जी भट्ट साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। इधर वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन भी बैठे हुए हैं, दूसरे मेंबर है भी जी, तो मैं इनके गोश गुहार एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि इन्होंने जो शरायत रखी 30 सदारती उम्मीदवार के लिए जी, उधर इन्होंने रखा होता है कि जो आम सिंपल सी होती हैं, काश ये थोड़ा सारा ये भी ऐड कर लेते कि कम से कम कोई ऐसा कैंडिडेट सामने आए, ऐसा बंदा जो है वो एप्लीकेशन करे जो कम से कम ग्रेजुएशन उसने की हो जी। भट्ट साहब ये आपका सवाल नहीं है, ये तो आपका मशवरा है, सवाल क्या करना चाहेंगे आप इनसे? जी मैं वो भी एक मिनट भाई बात तो सुन लेना, और उसके बाद कम से कम वो शख्स जो है ना वो एप्लीकेशन करे जो एक बाकायदा तौर पर एक प्लेटफॉर्म को चला रहा हो, किसी फ्लाई तंजीम का वो मेंबर हो, वो किसी ना किसी हवाले से किसी सरगर्मी में मुलविस हो जो। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। इनकी दो बातें आई जी, एक तो ये कि जो शख्स पहले से तजुर्बाकार हो उसकी दरख्वास्त ली जाए, और दूसरी क्या थी? ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन किया हो। लेकिन ये बातें शायद भट्ट साहब को नहीं पता, ये पहले से हमने पहले दूसरे तीसरे इलेक्शन में बाकायदा फॉरन ऑफिस से अटेस्टेड उनकी तालीमी इसनाद मंगवा कर फिर दरख्वास्तें वसूल की थी। चले ये तो इनके मशवरे से सवाल नहीं था, मैं अपने सवाल की जाने वापस आता हूँ। 26 तारीख को आपको एक दरख्वास्त मौसूल होती है, 27 तारीख को सुप्रीम काउंसिल का क्या ऐलान होगा? उसके बाद हम इंशाल्लाह पहले सबसे तो जो सुप्रीम काउंसिल है वो खुद मशवरा करेगी आपस में, उसके बाद कम्युनिटी के जो सरकर्दा लोग हैं जिन लोगों ने सुप्रीम काउंसिल, फिर आप उन्हीं से मशवरा करेंगे जाके। सुप्रीम काउंसिल नहीं, वो सुप्रीम काउंसिल जिन्होंने बनाने में, अब सर आप लोग खुद क्या फैसला करेंगे? सब कुछ आपने पूछ के करना, मशवरा करने का मकसद ये नहीं होता कि एक दरख्वास्त अगर आपको मौसूल होती है अगर तो आप उसको बिला मुकाबला सदर बना सकते हैं। हम देखें मशवरे की इसलिए बात करते हैं कि ये हमारा खुद का काम नहीं है, ना ही कोई हम जोर से डाले गए हैं इसमें, जोर से आए हैं। ये जो सारा प्रोसीजर हुआ 1 साल लगा है ये सुप्रीम काउंसिल बनने में, लेकिन हाफिज साहब हमें हम ये नहीं चाहते हमें गैर मुसद्दका इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं, वल्लाह आलम ये दुरुस्त है ये गलत है, क्योंकि अफवाहें गलत भी होती हैं, हमारे तक जो बातें कानों तक पहुँच रही हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। चलो ये मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ देखते हैं पहले कौन है, उसके बाद फिर आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि क्या हमारे पास इत्तलात आ रही है और आपसे उनका जवाब भी चाहूंगा। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? जी मैं जावेद बात कर रहा हूं। जी जावेद साहब कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं निक्के से बात कर रहा हूं। जी फरमाइए क्या सवाल करेंगे? जी मैं इन साहब से सवाल करना चाहता हूँ। किन साहब से? दो साहब बैठे, ये जो दो ऑफिस साहब और जनाब इम्तियाज साहब बात कर रहे हैं। जी जी मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि ये सर इतने गंभीर तरीके से इलेक्शन को ले रहे हैं, हालांकि पिछले इलेक्शन जितने भी हुए हैं ये सुप्रीम कोर्ट ये वो जितना भी बना हुआ था वो सारे इलेक्शन के बाद भाग जाते थे। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन के बाद भागेंगे तो नहीं है? नहीं, कौन भाग जाता था, सुप्रीम काउंसिल वाले या सदर? अच्छा ठीक है, सही जी आपका सवाल आ गया। आप ये पूछ रहे हैं जी, इन्होंने शायद प्रोग्राम गौर से सुना नहीं कि इस दफा जब इम्तियाज साहब ने फरमाया कि इस दफा हम लोग बाद में भी रहेंगे, तो इनका सवाल तो खत्म हो गया क्योंकि आप भागेंगे नहीं, क्यों इम्तियाज साहब? बिल्कुल ऐसी बात है ना, आए इसीलिए ये सवाल, आप इसीलिए आए कि आप कभी नहीं जाएंगे, पहले दिन आपको भी भगाना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं जाएंगे। नहीं हम डिक्टेटर बन के नहीं आए, हम हर बात जो मशवरे की कर रहे हैं ना वो इसलिए कर रहे हैं कि तमाम लोग इस जो ये पूरी कम्युनिटी का काम है, और हम इस दफ़ा चाहते हैं कि कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा हो, और हमने पहले सुप्रीम काउंसिल से भी मशवरा किया, जो उम्मीदवारान थे जो मुमकिन थे सबसे हमने मशवरा कर रहे हैं, और अलहदा बुला के उनसे मशवरा कर रहे हैं, और जो मुख्तलिफ कम्युनिटी से तलक रखते हैं, मुख्तलिफ तंजीमात से तलक रखते हैं। शाही साहब मेरा सवाल मैं आपसे दोबारा मैं वो आपको मेरे साथ फिर एक कॉलर आगे उनकी बात पहले सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? सर मैं अब्दुल अजीज बात कर रहा हूं इधर से पिथौरागढ़ से। जी जनाब फरमाइए क्या कहेंगे? सर जहां भी मैं जाता हूं ना मंडी में कहीं भी जी, आपने लेटर दिखाए आपकी जी जी, तो मुझे मंडी से एक क्राउन पार्क मिला था। क्या मिला? ये नहीं है किसी को मंडी जी जी वहां से
अच्छा मुझे करंट पाक मिला था। अच्छा मैं लेकर आया हूँ माशाल्लाह। तो इन लोग जो भी मकान खाली करता है ना मुसलमान पाकिस्तानी हो अरबी हो कोई भी हो तो आप इनसे करें ऐलान कर दें कि जब आप मकान खाली करते हैं ना चेंज करते हैं जी तो आप अपना सामान जो है ना खास करके करंट पाक हो सूरत हो कोई भी ऐसी चीज हो जी जी तो साथ ले जाएं या करें इस तरह के किसी को दे दें जी किसी पाकिस्तानी को मुसलमान को। ठीक बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। इसके अलावा सॉरी अभी साहब अपने पॉइंट पर आते हैं दोबारा। इंशाल्लाह मैं वही बात आपको बता रहा हूँ जो बार बार हम मशवरे की बात कर रहे हैं ना वो इसलिए कर रहे हैं कि कबल अज वक्त हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते। इससे पहले कि कोई कॉलर आ जाए मैं सवाल करूँ जी करें। जो गैर मुसद्दका इतलात हमारे पास आ रही है वो ये है कि जानबूझकर कोई काम नहीं किया जा रहा सुप्रीम काउंसिल की जानिब से और ये कोशिश की जा रही है कि लोग बदल होकर दरख्वास्त जमा ना करवाएं क्योंकि आखिरी वक्त में कोई शख्सियत जब ये देखेगी कि कोई दरख्वास्त नहीं आई फिर वो ऊद करके मेंढक की तरह फुदक कर सामने आएगी और आखिरी लम्हात अपनी दरख्वास्त देकर बिला मुकाबला सदर बनने की तैयारियों में इस बात में कितनी सदाकत है क्या ये झूठ है या इसके अंदर कुछ है। देखिए हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना अफवाह सरगर्मियाँ अफवाह ज़्यादा चलाई जाती हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम खलूस नीयत से काम करने के लिए आए हैं और जब तक लोग हम पे भरोसा करेंगे उस वक्त तक हम खुलूस नीयत से अभी सब आपके भरोसे की बात नहीं हो रही आप मेरे सवाल को शायद समझे नहीं लेकिन एक कॉलर के बाद आपसे मजीद बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कल लाइन ड्रॉप होगी। मेरा सवाल ये था सुप्रीम काउंसिल शायद किसी बदनीयती का मुजाहरा नहीं कर रही लेकिन चूंकि वो मामला तय नहीं हुए जिन मामला पर इलेक्शन करवाने की बात की जा रही थी और पहले दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं अब दरख्वास्तें देने वाले इस इबहाम का शिकार हैं कि क्या दरख्वास्तें देने के बाद इन बातों पर अमल हो पाएगा क्या सुप्रीम काउंसिल अपनी हैसियत को मनवा पाएगी क्या सुप्रीम काउंसिल मेंबरशिप कर पाएगी क्या सुप्रीम काउंसिल शफाफ इलेक्शन कर पाएगी तो उस इबहाम की बिना पर वो इस इबहाम इस वजह से डाला जा रहा है ताकि लोग दरख्वास्त ना दें शायद आपकी तरफ से ना हो साबिक काबीना की किसी फर्द की तरफ से हो किसी सदर की तरफ जानिब से हो उसके बाद ऐन वक्त पर अपने किसी उम्मीदवार को मैदान में लाकर उसे बिला मुकाबला सदर बनवा दिया जाए। मैंने जो आपको बताया है इंशाल्लाह जो लोगों के अभाम है ना वो उनको दूर कर लेने चाहिए। हम किसी भी ऐसे इरादे से और ऐसी नीयत से सुप्रीम काउंसिल में नहीं आए कि किसी एक शख्स को हम कामयाब कराना चाहते हो। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आवाज आ रही है आपको मेरी। हेलो जी आवाज आ रही है मेरी आपको। हेलो हेलो वालेकुम सलाम जी जी फरमाइए कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से। हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है मैं नदीम बोल रहा हूँ कोकने मिलो से। जी नदीम साहब फरमाइए क्या सवाल करेंगे। हेलो जी जी फरमाइए आपकी आवाज आ रही है। मैं नदीम बोल रहा हूँ कोकने मिलो से। जी जी बताइए आप अपने टीवी की आवाज कम कर लें तब आपको हमारी आवाज आएगी। मैं दूसरे कमरे जाता हूँ बच्चे बैठे हैं वो टीवी देख रहे हैं मैं दूसरे कमरे जाता हूँ। जी जी बताइए। जी मैंने भी कुछ गैर मुसद्दका इतलात जैसा सुना है कि कम्युनिटी इलेक्शन में एक उम्मीदवार सामने आ रहा है। अच्छा क्या आपने उसका नाम भी सुना है। मैं आपको आपके टीवी की विशाल से कह रहा हूँ अगर एक उम्मीदवार होगा तो दूसरा मैं उनको लिए चैलेंज के तौर पर सामने होऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर वो क्या तारीख रखी है आपने 26 26 अगर वो 26 तारीख हम कह रहे हैं ऐसे ही मैंने भी सुना है कि कुछ ऐसे तरीकाकार अपनाया जा रहा है कि एक उम्मीदवार को सामने लाया जाए। जी जी बताइए बात कीजिए आप। मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप होगी। नदीम साहब बड़े जज्बात में बात कर रहे हैं। मैं बताया ना कि कुछ अफवाहें सरगर्म है ये नहीं कि मैं अपने पास से बात करूं। देख ले काल भी आ गई है कि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि जो दूसरे सदारती उम्मीदवार हैं उन्हें मुतनफर किया जाए इस निज़ाम से वो इस निज़ाम में आकर दरख्वास्त ना दें ताकि एन टाइम पर हमारी जो है वो चांदी हो जाए। हम इंशाल्लाह ऐसा इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। लेकिन अभी साहब एक गलती मैं आपको नोट करवाता हूँ चेयरमैन साहब आपको भी नोट करवाता हूँ। आप बात कीजिएगा लेकिन मैं आपको गलती नोट करवाता हूँ। हर इलेक्शन में इलेक्शन से कबल सुप्रीम काउंसिल के क्याम के बाद पाकिस्तानी बरादरी की अहम तंजीमात अहम शख्सियात का एक सेमिनार मुनाकिद किया जाता है जाता रहा है
ताकि उनको इलेक्शन के मामलों पर ब्रीफिंग दी जाए और उनसे मुशावरत की जाए। सुप्रीम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी ने इस बात बनी है, उसने अब तक कुछ नहीं किया, इसका जवाब से लेंगे एक काल के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी इम्तियाज साहब, क्यों नहीं किया आपने कुछ? हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब? जी चौधरी दौलत बोल रहा हूँ, सीमा तारी से हाफिज क्या साहब बात करनी है। जी बात कर रहे हैं आप, हाफिज साहब आपकी बात सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या हाल ठीक ठाक हो? जी खैरियत, वालेकुम अस्सलाम। अदालत बोलना पे सीमादारी जी, क्या हाल है ठीक ठाक हो? जी हाफिज साहब ठीक ने। अदालत साहब की सवाल करोगे ना लाई दे प्रोग्राम दे मौजूद है वाले ना। सर सवाल एक करना चाहना मैं हाफिज साहब रंद थे उड़ के कहते पे कमेटी का क्या करना वे खड़ी साइड पे के बातचीत करते हो पे। अच्छा तुसी असल प्रोग्राम देखे नहीं हाफिज साहब, असल तुहानू साइड नहीं दस सकते क्योंकि वो सुप्रीम काउंसिल दे मेंबर बने ने। बहुत शुक्रिया थोड़ा कॉल करन दा। इम्तियाज भाई बता दे फटाफट जवाब बता दे इससे पहले कि कॉल आ जाए। आपने पाकिस्तान बरादरी की अहम तंजीमात अहम शख्सियात को जमा करके अब तक एक भी सेमिनार मुनक़द नहीं करवाया, उनको ब्रीफ नहीं किया कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आपने मतलब फर्दन तो कुछ हो रहे हैं काम, लेकिन प्रेस किस लिए की थी? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने साफियों के साथ की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतलब था वो उन लोगों तक पहुँचेगा जो लोग अखबार पढ़ेंगे। अच्छा जी, जो अखबार नहीं पढ़ेंगे, अगर सरकदा लोग अखबार ही नहीं पढ़ते हैं तो फिर तो अफसोस इस बात के, फिर जुर्माना होना चाहिए उनके ऊपर। एक काल लेते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो सलाम अलैकुम। देश प्रदेश इतना खर्चा करता है तो फिर वो अखबार नहीं पढ़ते तो फिर उसका। हेलो यार ये मेरे ख्याल आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आज लोगों की आवाज सही आ नहीं रही है या फिर वो। अच्छा एक बात मैं बता दूं कि इस दफा जो आप कह रहे थे अगर एक उम्मीदवार आता है क्या वो बिला मुकाबला सदर नहीं, अब तो दूसरा भी आ गया ना। सुने मैं अब तो दूसरे ने कह दिया अगर एक आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि देखिए हमें जो बुलाया गया सबसे पहले जो सुप्रीम काउंसिल काम में इलेक्शन करवाना, इलेक्शन तो उस वक्त होगा जब आमने सामने उम्मीदवार हो, अगर जब एक उम्मीदवार आएंगे तो जाहिर सी बात इलेक्शन तो फिर डिले होगा या फिर वो तो इंतजार किया जाएगा या फिर ऐलान किया जाएगा पूरे मीडिया के सामने कि अगर कोई उम्मीदवार इसके सामने ना आया तो फलाने दिन मैंने इसे सदर का अहदा दे देना। अच्छा फिर टाइम देंगे आप, जायज बात है ऐलान करेंगे कोई अगर वो उसके प्रधान के सामने। चलो ये बात सामने आ गई कि अगर आखिरी वक्त तक एक ही बंदा हुआ तो फिर उसके बाद आप घंटों का या दिनों का कुछ वक्त देंगे ताकि दूसरा आ रहे, वरना में उसको सदर बनाने लगे। सही ये बात हो रही है। अच्छा चेयरमैन साहब दूसरी तरफ आते हैं, अल्लाह करे आप अपनी नीयतों पर अपने तमाम इरादों पर कामयाब हों। दूसरी बात जो सेमिनार की ना वो इंशाल्लाह सेमिनार होगा, वो उस वक्त होगा। मैंने आपको पहले कहता हमारा जो फर्स्ट स्टेप पता क्या था, फर्स्ट स्टेप था मंसूर, अगर सिद्धार्थी मुद्दा सामने नहीं आए वो अपना मंशूर ना दे, हमने सबसे पहले मंशूर लेके आगे आना। जब तक हमारा मंशूर तो उनका होगा ना, आपका तो नहीं होगा। जी नहीं, अगर उनका मंशूर होगा तो उसको हमने अमेंडमेंट कर लेना, जो मंशूर होगा वो एक मंशूर होगा जिसपे लोग पाकिस्तान कम्युनिटी के तस्दीक के अंदर ऑलरेडी सदर कोई भी बने, लेकिन जो भी सदर आएगा हम जो मंशूर पे जो जिसपे हमने रजामंदी से दस्तखत करने उस पर वो काम मस्त करेगा, ये उस पे लाजिम होगा। और अगर नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? तो फिर हम हैं ना इधर। नहीं वो बताएं ना, आप तो हैं, फिर देखेंगे आप तो, लेकिन आप करेंगे क्या? आपको कानून बताएं, आपको कानून क्या अथॉरिटी देता आपको? वो कानूनी जो है ना वो भी हम सिस्टम ले लेंगे। अभी आप नहीं बताना चाहते? नहीं अभी नहीं। चले फिर कर लेते हैं, देखते हैं कौन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब और कहां से? सर मैं नए यूनिया से बात कर रहा हूं, हैदर सियाल मेरा नाम है। जी हैदर साहब फरमाइए क्या सवाल करेंगे? सर सबसे पहले तो आपको ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करने पर एहसानुल्लाह साहब और आप इब्राहिम फैज भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। मेरा जनाब सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन साहब से और दूसरे हाफिज शाह साहब से ये सवाल है कि जिस तरीके से हमारे जो यूनान के हालात हैं और जो ग्रीस के हालात हैं इनके मुताबिक क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी इलेक्शन के मुकम्मल हो सकती है? अगर हो सकती है तो ये जो पाकिस्तानियों के हालात हैं इनके बारे में क्या वो क्या तजावीज दे सकते? जी बहुत शुक्रिया नाब कॉल करने का, बड़ा अच्छा सवाल है चेयरमैन साहब। क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तानी बिरादरी इलेक्शन की मुतहम्मिल हो सकती है और इलेक्शन होने के बाद इन हालात को पाकिस्तानियों के हालात को दुरुस्त करने के लिए क्या लाया अमल होगा? ये तो खैर सदर का काम है लेकिन चले आप बता दें अगर आपके पास कोई है तो। ये इंशाल्लाह जो हमने रजिस्ट्रेशन वाला काम इस दफ़ा कर रही है सुप्रीम काउंसिल, ये इसीलिए कर रही है कि जो मुश्किल हालात जो आ रहे हैं दिन ब दिन कम्युनिटी पे मुश्किल हालात आ रहे हैं, हर आदमी अपनी रजिस्ट्रेशन कम्युनिटी के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए ताकि
जो पैसा वो इकट्ठा होता है उससे कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। आज हमारे आज तक जो 15 साल हो गया मुझे इधर, आज तक जो है डेड बॉडी का मसला चला रहा है। 15 साल के अंदर एक कुछ दिन जो एम्बेसी ने काम किया था वो सिर्फ सही चला है, उसके बाद जो है मुसलसल उसके बाद भी जा रही है डेड बॉडी, कोई भी यहाँ पर नहीं रही नहीं। लेकिन एक मुस्तकिल हल नहीं है, कहा लेते उसके बाद फिर मजीद आपसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब और कहाँ से? मैं अर्शद खान अभी बोल रहा हूँ। जी मुल्तानी साहब, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है, जो चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का फरमा रहे हैं कि अगर एक उम्मीदवार आखिरी टाइम में आ गया तो हम टाइम देंगे, जब तक उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं आता जी, क्या ये मुनसफाना बात है? अगर एक आदमी बिना मुकाबला कामयाब हो जाता तो उसके लिए जान बूझ के नए उम्मीदवार का इंतजार किया जाए जी, ताकि उसे कामयाब इकरार दे दिया जाए। ठीक है जी, इनसे जवाब लेते हैं आपके सवाल का, आप सुनिए गौर से। जी इम्तियाज भाई, सवाल है इनका कि क्या ये इंसाफ होगा कि एक 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 उम्मीदवार अगर सामने आते हैं आखिरी वक्त में तो फिर आप दूसरे का इंतजार करेंगे? जी इंतजार नहीं करेगा, हमने ये कहा कि हम ऐलान करेंगे कि ये सदारती उम्मीदवार आया, क्योंकि बिला मुकाबला होगा ना वो, तो जाहिर सी बात हम पे जवाब आता है कि हम बिला मुकाबला जब बंदा कोई आता है तो हमने उसके ऐलान करना है। इम्तियाज भाई, ऐसी सूरत में पता है क्या होगा, एक उम्मीदवार अगर आ गया, बड़ा अच्छा सवाल है अरशद मुल्तानी का, एक आ गया उसके बाद आपने दो दिन का टाइम दे दिया कि दो दिन के अंदर आ जाओ मैदान में वरना मैंने इसको सदर बना देना है, तो क्या उस सदर बनाने के ऐलान के अंदर रजिस्ट्रेशन तरामीम वोटिंग ये वो सब खत्म हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। रहेगा ना, रहेगा बिल्कुल। कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो यार, कॉल करके आप लोग कहाँ चले जाते हो, बाद में बोलते नहीं हो। जी इम्तियाज सर, तो क्या वो जो दो दिन का टाइम होगा उसके अंदर आप अमेंडमेंट ये जितने भी काम आपने करने, क्योंकि ये तो तवील प्रोसेस है ना, फिर तो आपको रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी? रजिस्ट्रेशन मस्ट होना, वैसे जब भी चले आपने कहा ना ये जैसे बिला मुकाबला में कोई सदर आता है ना तो फिर भी ये सदर उसको बना देंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन बाद में करेंगे, जारी रहेगा। नहीं नहीं, सदर नहीं बनाएंगे हम, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, जो हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है वो हम इंशाल्लाह करेंगे। सिर्फ हमने जो इतनी डिले हुई है सुप्रीम काउंसिल की वजह से, हमने बार बार तमाम लोगों को बताया है ताकि सब लोग शामिल हो जाएं उस प्रोसेस, सब लोग शामिल हो जाएं, क्योंकि एक मंशूर दें हम कौम को, जो हमने प्रिंट कराना है वो 3 कापी होंगी और उसके पीछे मंशूर लिखा होगा, जो मंशूर लिखा होगा जो सदर होगा वो उसके तहत अमल नहीं करेगा, उसको आप पकड़ लेंगे बाद में। हाफिज साहब और इम्तियाज जाफरी साहब, हम उनसे हल देखें, चले इन बातों को छोड़ देते हैं, इलेक्शन भी हो गए, पाकिस्तान सुप्रीम काउंसिल ने सारे काम कर लिए, अमेंडमेंट भी करवा लिए, रजिस्ट्रेशन भी हो गई अल्लाह ताला के फजल करम से, और ईमानदारी के साथ एक नया सदर भी आ गया और सदर ने काम भी शुरू कर दिया। मेरा सवाल यह है कि आज के इस इन हालात में, इस वक्त में जबकि पाकिस्तानी बरादरी को बेतहाशा ऐसे मसाइल का सामना है कि जो दीगर कम्युनिटीज़ को शायद कम हो, उनके हल के लिए सदर को कितना पाबंद किया जाएगा कि वो काविश करे और अपनी जाति जितोजहद जाति जंग कम करे, इसका जवाब आपसे लेंगे काल के बाद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब और कहाँ से? जी खुर्शीद भट्ट। जी खुर्शीद भट्ट साहब फरमाइए। जी मेरा सवाल है हाफिज़ शायद गफ्फार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आप साहब बहुत खुर्शीद भट्ट बात कर रहा हूँ। जी जी सर। जी खान साहब। जी जी फरमाइए भट्ट साहब। हाल ये है हाफिज़ शायद गफ्फार साहब से, मेरे बड़े मोहतरम भाई हैं, मैं कह रहा था कि खुदा के लिए पाकिस्तान कम्युनिटी जो यूनान में मुकीम है इन पे सर्च किया जाए, और काश वो लोग आगे आए जो इस काम को जानते हैं। हाफिज साहब तो मेरे मोहतरम है, इन्होंने तो मेरे साथ 13 दफा हल की बात की कि इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, और दूसरा मेरा जो सवाल ये है कि अगर सारे काम ही दरख्वास्त करने के बाद होने हैं तो फिर तो मेरा भाई ये तो सारी प्री प्लान्ड काम है। अच्छा भट्ट साहब, आपके कहने का मतलब ये कि काम पहले किए जाएं और दरख्वास्तें बाद में वसूल की जाएं? नहीं, पहले तो मेरे भाई मैंने आप ही के प्रोग्राम में खान साहब आप से कहा था कि 10 साल में इस कम्युनिटी की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। जी इस कम्युनिटी की बुनियाद ही नहीं रखी जा सकती। जी आप मेरा सवाल सुन ले खान साहब। जी जी सुन रहा हूँ, फरमाइए। कोई भी काम सीधी लाइन ही मुतय्यन नहीं की गई, तो अभी जो सुप्रीम काउंसिल है इसमें भी तकरीबन सारे ही लोग मजहबी तंजीमों से आए हैं, जबकि पहले जब ये मीटिंग हुई थी सदर साहब से, साबका सदर साहब से कहा गया था कि समाजी और मजहबी नुमाइंदे हों, मजहबी तंजीमों के मेम्बरान का तो कोई काम नहीं। हाफिज साहब तो मोहतरम
इलेक्शन के खिलाफ हैं और ये उस सीट पे जाके बैठ गए। लेकिन आप खिलाफ नहीं, आप तो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए। जी जी, खुद इलेक्शन कमीशन में बैठे, इन्होंने मेरे साथ टीवी पे मौजूद है। काइंडली आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दिलाइए और मेहरबानी करता हूँ। आप इसके खिलाफ है? बस एक मिनट जवाब लेता हूँ मैं, आप इलेक्शन के खिलाफ है क्या? फुलकारी सीट में 13 नंबर पे आप, मुझे कहा था बस इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, अच्छा। ये एक वक्त की बात थी जब आपस में दोस्त बैठे होते हैं तो मुख्तलिफ मौजू पे बात हो रही होती है, तो उसमें से जो उस वक्त के लिहाज से जो आप सब, लेकिन उनका कहना ये है कि पहले तमाम मामला हल कर लिए जाते फिर इसकी दरख्वास्तें वसूल की जाती, ये बात है उनकी, ये मेन सवाल उनका ये था। ये असल में सबसे पहले ये लोगों को मुख्तलिफ अभाम हो गया, शकूक व शुबात पैदा हो गए हैं। हमने बार बार ये सब लोगों को बताया, जिन जो लोग अभी बातें कर रहे हैं, हमने सब लोगों को बताया कि हमने सबसे पहले करनी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन हम कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? आप ये चाहते हैं कि कैंडिडेट्स भी साथ शामिल हों उस रजिस्ट्रेशन के? सब लोग शामिल हों। देखो, जब भी भट्ट साहब ने जो सवाल किया कि ये दीनी जमातों से आए हैं, दीनी जमातों से हम आए हैं तो ये तमाम कम्युनिटी ने हमें उनकी बातें बताया। मैं अपनी जमात से आया हूँ तो कोई जबरदस्ती नहीं, ज़ियाल उम्मत वालों ने हमें मुतालबा किया गया था कि जमाते ज़ियाल उम्मत से एक साल मुतालबा चलता रहा कि आप कोई एक आदमी दें, और हम उन्होंने जो भी आदमी अपना दिया, नुमाइंदा दिया। हाफिज साहब, इतने सवालों के बाद क्या आप लोग उस फैसले पर कायम है कि 26 तारीख तक पहले फैसला जो किया है हमने कि हम पहले उसकी दरख्वास्तें वसूल करेंगे तो उसके बाद आगे चलेंगे? चले, ये एक और प्रोग्राम इसके ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे वक्त का, इसका प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंच रहा है। और नाजरीन, जितनी भी कबाहतें और जितनी भी प्रॉब्लम्स की बात की जाए, पाकिस्तान कम्युनिटी, यूनान का निज़ाम पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तान कम्युनिटी के लोगों के लिए एक राह अमल है, और तमाम तर कबाहतों के बावजूद पाकिस्तान कम्युनिटी का जो जमहूरी प्लेटफॉर्म है उसने बहुत सारे फवायद भी हमें दिए हैं। एक बात करना चाहता हूँ जी, मैं तमाम पाकिस्तान कम्युनिटी से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि 4 मार्च के, जब हम 4 मार्च के बाद, शायद मैं टीवी पे आऊं या ना आऊं, 4 मार्च के बाद सुप्रीम काउंसिल जब रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी तो तमाम लोग अपने रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शाहिद साहब ये कह रहे थे कि 4 मार्च के बाद जब रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी तो पूरी पाकिस्तानी बरादरी उसके अंदर भरपूर हिस्सा ले, ताकि इस बरादरी को मजबूत करने के लिए, उस सदर को तकवीत देने के लिए और इस निज़ाम को तकवीत देने के लिए सब मिलजुल कर काम करें। जो मसाइल हैं उन मसाइल पर हम सहाफ़ी वीनस टीवी पर बैठकर और दूसरे प्लेटफॉर्म से भी हम अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन आप इस बात को जहन में रखिए कि प्लेटफॉर्म सिर्फ जमहूरी अच्छा होता है। आइंदा जुम्मे तक के लिए अपने मेज़बान एहसानुल्लाह खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत भी, इस आवाम को इस चीज़ की सख्त जरूरत थी। ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो, जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है, तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल आई करना नंबर। ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है, और खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है।